आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। युवक की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंकी लाश। बिलासपुर के दगौरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली है। शव के ट्रेन से कटने जैसी स्थिति नहीं और सर में कई जगह पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। वहीं मृतक के गले पर फंदा लपेटा हुआ था। इसके अलावा पुलिस को मौके से खून लगा एक पत्थर मिला है, जिसकी वजह से जीआरपी युवक की हत्या की आशंका जता रही है। बताया गया कि युवक के छोटे भाई ने शुक्रवार रात को जब उसे फोन भी किया था, तब उसने बताया था कि वह दोस्तों के साथ है। ऐसे में पुलिस अब उसके दोस्तों की भी जानकारी जुटा रही है। शनिवार की सुबह जीआरपी थाना प्रभारी जीआर राठिया को सूचना मिला कि दगौरी स्टेशन से कुछ दूर में रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई। शव को देखकर ही पहली नज़र में हत्या की आशंका जताई गई। दरअसल जिस पटरी पर शव को मिला उस ट्रैक से कोई गाड़ी ही नहीं गुजरी थी। शव की जांच करने पर पता चला कि युवक के सिर में कई जगह गंभीर चोटें के निशान हैं। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की और युवक की पहचान करने की कोशिश की। तब कुछ ग्रामीणों ने युवक की पहचान मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र के मोभट्ठा निवासी राजू उर्फ विभीषण वर्मा 30 साल के रूप में की है। इस बीच पुलिस ने उसके परिजन को सूचना दी। पूछताछ में पता चला कि राजू गांव में जूता चप्पल की दुकान चलाता था। उसका भाई हेमंत वर्मा की भी कपड़े की दुकान है। पुलिस को आशंका है कि घटना शुक्रवार की देर रात की है। मामले में पुलिस अभी ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाई है। माना जा रहा है कि युवक की हत्या कर हादसा का रूप देने के लिए शव को पटरी पर लाकर रख दिया गया होगा। जीआरपी थाना प्रभारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही युवक की मौत कर राज खुलने की बात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस इस मामले की जांच करेगी। जीआरपी थाना प्रभारी राठिया का कहना है कि अभी पुलिस न तो परिजन का बयान दर्ज कर पाई है और न ही सही तरीके से पूछताछ हुई है। युवक के पास से 2 मोबाइल मिले हैं। मोबाइल लॉक था, जिसके चलते अभी उसकी जांच नहीं हो पाई है। पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल कॉल डिटेल व तकनीकी जाँच से युवक की मौत का राज खुल सकता है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली है। जांच के दौरान डॉग घटनास्थल से पहले प्लेटफॉर्म तक गया, इसके बाद वहां से स्टेशन से कुछ दूर स्थित शराब दुकान तक भी गया था। पुलिस शराब दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। फुटेज के जरिए राजू व उसके साथियों की जानकारी जुटाई जा सकती है। राजू शुक्रवार की देर शाम 7 बजे दुकान बंद कर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। इस पर परिजन उसकी तलाश भी कर रहे थे। घटनास्थल के जांच के दौरान पुलिस को खून लगा हुआ पत्थर मिला है। वहीं पर राजू के गले पर फंदा भी लपेटा हुआ था। मौके पर शराब की शीशी वगैरह भी मिली है। इससे आशंका है कि शराब पीने के बहाने राजू को हथियारे साथ ले गए और फिर योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।